बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल किस्म की रेसिपी लेकर आया हूँ, फ्राई फिश की। बिल्कुल मार्केट जैसी फ्राई फिश आज आप घर बनाएंगे। फिश बनाने के लिए जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है वो होता है मैरिनेट का। मैरिनेट हम बिल्कुल घर के मसालों के साथ ही मैरिनेट करेंगे, जो घर में हर घर में मौजूद होते हैं। उसके लिए जो हमने सबसे पहला ली चीज़ ली है, उसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, गरम मसाला पाउडर है, हल्दी पाउडर है, सफ़ेद नमक है, काला नमक है, सुरख लाल मिर्च है और अजवाइन पाउडर है। और साथ हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है और 1 प्याली हमने लिया लीमू के रस की। अब लीमू के रस को और 2 टेबलस्पून जो कुकिंग ऑयल है इसको शामिल करेंगे लीमू के रस में, और साथ जो बाकी हमारे जो मसाले हैं वो भी इसमें शामिल करके अच्छी तरह एक पेस्ट हमने इसकी तैयार कर लेनी है। और पेस्ट जो हमने तैयार करनी है वो बिल्कुल थिक हो, पतली ना हो, थिक हो। अगर वो थिक होगी तो हमारी जो फिश के पीसेस के ऊपर अच्छी तरह वो ठहरेगी, अगर वो पतली होगी तो वो फिश के पीसेस के ऊपर वो ठहरेगी नहीं, वो पानी बन जाएगा बाद में। देखें, पेस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको फिश के पीसेस के ऊपर लगाएंगे वन बाय वन करके, या चम्मच के साथ लगा लें आप, या फिश को के पीसेस को अपने पेस्ट के अंदर डिप करके एक साइड पहले डिप करें फिर दूसरी साइड डिप करके निकालते जाएं। पेस्ट हमने वन बाय वन पीसेस को ही लगानी है, एक बॉल में या बर्तन में डाल के साथ पेस्ट के ऊपर लगा के ऐसे नहीं लगानी। फिर जो हमारा मसाला होगा ना पेस्ट, ये अच्छी तरह पीसेस को लगेगी नहीं। जैसे ही तमाम पीसेस को ये पेस्ट लग जाए, मसाला लग जाए, इसको एक बाउल में या डिब्बे में डाल के 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करते हैं। उसके बाद हम इसका जो बेसन और मैदे का मटेरियल है वो भी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए कुछ वही घर के मसाले जो होते हैं वो लिए हैं, मैदा लिया है, बेसन लिया है। सबसे पहले हल्दी पाउडर है, सुरख लाल मिर्च है, गरम मसाला पाउडर है, सफ़ेद नमक है और कुटी हुई लाल मिर्च है, और मैदा 1 प्याली लिया है और बेसन भी 1 प्याली है। इन तमाम मैदे और बेसन को और जो हम मसाले इनको आपस में अच्छी तरह एक मिक्स कर लें। हमारी जो फिश है वो भी 2 घंटे के लिए मैरिनेट हो चुकी है और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको एक एक पीसेस करके एक साइड पे पहले दूसरी साइड पे लगा के रखते जाएंगे या साथ साथ फ्राई करते जाएं। 4 से 6 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये तो व्यूअर्स, फिश हमारी जो है वो फ्राई हो चुकी है। माशाल्लाह देखे कितना खूबसूरत कलर आया है, कितनी देखने में ही कितनी मज़ेदार फिश है। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।